नमस्कार दोस्तों, मार्केट अपडेट्स के न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और यहाँ पे आज भी यहाँ पे निफ्टी में लाल निशान में ही निफ्टी यहाँ पे बंद हुआ है। तो इस क्लोजिंग पे मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए बहुत सारे अपडेट। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट। तो हर रोज की तरह यहाँ पे जो पहला अपडेट ले लेते हैं वो ले लेते हैं यहाँ पे मार्केट की तरफ से, जहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे मार्केट में सेल ऑफ चल रहा है। और ये सेल ऑफ आज इतना बढ़ गया था कि निफ्टी एक बार 10,600 के नियरेस्ट जाके ट्रेड करने लग गया था, बट लेट यहाँ पे रिकवरी आई और मार्केट ने दोबारा से 10,700 के ऊपर निकल के अपने आप को क्लोज करने पे बंद हो गया। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग आई है वो करीब 21 पॉइंट गिर के आई है और 10,724 पे क्लोजिंग आई है। वहीं अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स भी करीब 67 पॉइंट गिर के यहाँ पे बंद हुआ है। अगर टॉप थ्री गेनर और लूजर की बात करूँ तो टॉप थ्री गेनर में यहाँ पे भारत पेट्रोलियम सबसे बड़ा गेनर रहा, उसके बाद एनटीपीसी, उसके बाद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। वहीं अगर मैं लूजर की बात करूँ तो लूजर में जेएसडब्ल्यू स्टील सबसे बड़ा लूजर रहा, उसके बाद सन फार्मा, उसके बाद डॉक्टर रेड्डीज लैब। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे डिवीज लैब की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक में करीब 6% की गिरावट देखी गई थी इंट्राडे में, क्योंकि यहाँ पे इनके ऑफिस में आईटी की रेट पड़ी है और इस रेट के चलते ही यहाँ पे ये 6% की गिरावट देखी गई थी। बट स्टॉक ने बाद में शानदार रिकवरी दिखाई और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद हुआ है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे टाटा मोटर्स की तरफ से, जहाँ पे टाटा मोटर्स की गाड़ी टियागो ने कम्प्लीट कर लिया ऑलमोस्ट 2 लाख सेल्स वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द है और बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड में ही इसने 2 लाख गाड़ियां यहाँ पे मार्केट में बिक चुकी हैं। टाटा मोटर्स के लिए काफी अच्छी बात है और काफी पॉजिटिव चीज है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे रुपी की तरफ से, जहाँ पे रुपी की वीकनेस दोबारा से बढ़ना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे हालांकि वीकनेस काफी शार्प थी बट थोड़ा सा रिकवर होके यहाँ पे 71.26 पे यहाँ पे बंद हुआ है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे ब्रांड क्रूड की तरफ से, जहाँ पे कि $65 के पास जाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है यहाँ पे ब्रांड क्रूड, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई कट आया है 2019 में, उसी के चलते ये उछाल देखा गया है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे अशोक लेलैंड की तरफ से, जहाँ पे नंबर आए थे और नंबर में प्रॉफिट के डिक्लाइन के चलते यहाँ पे 381 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट डिक्लेयर किया है यहाँ पे, इसी के चलते स्टॉक में करीब 4% तक की गिरावट देखी गई थी। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे इंडिगो की तरफ से, जहाँ पे इंटरग्लोब एविएशन जो हमारे स्टॉक मार्केट लिस्टेड है, यहाँ पे जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है यहाँ पे पायलट मिसमैच के, यानी पायलट्स इनके पास कम है और जहाज बहुत ज्यादा हो गए हैं, इनके एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो गए हैं, जिसके चलते यहाँ पे काफी ज्यादा फ्लाइट कैंसिलेशन हो रही है और लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। इसी के चलते आज स्टॉक में करीब 3% की सुबह सुबह गिरावट देखी गई थी, बट बाद में स्टॉक रिकवर कर गया था। बट ये प्रॉब्लम अगर आगे आने वाले दिन में और भी बढ़ती है तो ज्यादा दिक्कत होगी इंडिगो के मार्केट। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से, जहाँ पे कि स्टॉक ने एक बार करीब 31% लो की डिप मारी थी। रीजन यहाँ पे जो आया है वो जेफरीज ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है कि रिपीट रेड फ्लैग्स दिया हुआ है यहाँ पे इनके यूएस एफडीए के ऑब्जर्वेशन से। यहाँ पे 11 ऑब्जर्वेशन आए थे इनके प्लांट में और ये ऑब्जर्वेशन दोबारा से दोबारा आ रहे हैं, तो इसी के चलते ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होगी तो स्टॉक में करेक्शन आ सकता है। इसी के चक्कर में करीब करीब 31% की गिरावट देखी गई थी डॉक्टर रेड्डीज के लैब में ऑलमोस्ट 1-2 मिनट के लिए। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे पेज इंडस्ट्रीज की तरफ से, जहाँ पे नंबर आए थे काफी स्ट्रॉन्ग बट ये नंबर शायद मार्केट को पसंद नहीं आया, इसी के चलते यहाँ पे स्टॉक में करीब 9% की गिरावट देखी गई थी आज के दिन में। इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।